बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास वन उर्दू अदब की कॉपी निकालिए। उर्दू अदब में हमने खुशखत की थी, अब हम आगे काम करेंगे। तमाम बच्चों ने ये खुशखत कर ली होगी, मुझे उम्मीद है। अब हम क्या करेंगे, सफ़ा नंबर 17 पर अल्फाज के मायने लिखें। अल्फाज मायने की लाइन सेंटर में ड्रॉ होती है और स्केल की मदद से करनी है हमने ये लाइन ड्रॉ, और ये दो लाइंस ड्रॉ करनी है। इधर हमने लिखना है अल्फाज मायने, ये हमने ब्लू कलर से लिखना है। इसके बाद नंबर एक सादिक के मायने क्या है, सच्चा। नाजिल उतारा गया। मोहम्मद तारीफ किया गया। सादिक सच्चा, नाजिल उतारा गया, मोहम्मद तारीफ किया गया। ये काम लिखिए। अब आप आगे काम करेंगे सफ़ा नंबर 18 पर। सफ़ा नंबर 18 पर आज की डेट डालिए। नंबर 5 नोट, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। अब ये पॉइंट्स देखें, ये 5 पॉइंट पर मुश्तमिल हमारा नोट है। ये आप बहुत अच्छी सी राइटिंग में पेंसिल शार्प करके लिखेंगे। ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। नंबर 1, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये स्वाद जो है ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखा गया है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमना था। नंबर 5, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। आप तमाम बच्चे यहाँ तक अपना काम मुकम्मल कर लीजिए, अच्छी अच्छी राइटिंग में करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इस नोट को याद भी कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे काम हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। जज़ाकअल्लाह।